हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग के बारे में, मैच नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, दो खेला जाएगा CSG और ITT के बीच। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक आपको एक खास इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। दोस्तों, मेरा मकसद है आपको विनिंग करवाना, बस आपको किसी भी तरह की ग्रैंड लीग जितवाना और आपको स्मॉल लीग विन करवाना। मैं चाहता हूँ आपका लॉस बिल्कुल ना हो और आप अच्छी खासी विनिंग करें। मैं थोड़ी हटके वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो में। अगर आप पूरी वीडियो समझोगे ध्यान से, तो मैंने कल बताया था आपको कि आपके जो यहाँ पे 3 प्लेयर हैं जानने वाले, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र चंद्र अश्विन, आप जिन प्लेयर को जानते हो आप उनको कैप्टन करो, आप आराम से विनिंग करोगे। तो कैप्टन बना वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, मैं यही बताता हूँ आपको, वीडियो देखा करो। आप एक प्लेयर को पकड़ के बैठ जाओ, मैं एक के बारे में आपको डिटेल में बताऊँ और पूरी 25 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मेरी वीडियो बहुत छोटी बनती है, 10-15 मिनट की वीडियो बनती है मेरी। लेकिन मेरी वीडियो अगर कोई ध्यान से पूरी देख ले तो ग्रैंड लीग की टीम आपको यहीं मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको 2 या 3 कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको पूरे प्लेयर के आधार पर आपको, कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है कौन सा नहीं, फिर आपको ग्रैंड लीग की टीम बना कर दिखाता हूँ और कैप्टन भी उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि इस जैसे हमने टीम क्रिएट की है इसके अकॉर्डिंग कैप्टन कौन सा सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो देखा करो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आप पक्का विन करोगे और लोग विन कर भी रहे हैं। दोस्तों, तो जल्दी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं CSG। दोस्तों, दोनों टीम अब तक एक एक मैच खेल चुकी है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा खिलाड़ी के बारे में बताना, क्योंकि जो नए मैच हो रहे हैं उनके बारे में कोई खास जानकारी मिल नहीं रही, कौन ओपनिंग कर ले और कौन कहाँ पे पड़ा हुआ है, बैटिंग में बॉलर पड़े हुए हैं, बॉलर में बैटिंग पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए आज का जो मैच है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आज अच्छी खासी टीम बनेगी। दोस्तों बात करते हैं CSG के बारे में। दोस्तों, पिछले मैच आपने देखा था, आपने एन जगदीशन, पी रंजन पाउल, बी अपरजीत, एस यादव, एच एस कुमार, यू सहदेव, आर सतीश एच, एम सिल्स बरमसन, आर शाह, एम अरुल और बी रोकी। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 थी पिछले मैच की इनकी, और आपने देखा था इसमें अच्छा खासा परफॉर्म भी दिया था इन्होंने। लेकिन इधर आपकी आई टी टीम भी बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, इनका भी एक मैच हो चुका है। अगर इनके प्लेयर के बारे में बात करें, एन चतुर्वेद, बी अनिरुद्ध सीताराम, के विशाल वैद्या, विजय शंकर, पी भुवनेश्वरम, आर साई किशोर, एस मणिकरण और आपका टी रहेजा, एस गणेश, एस अजीत राम और आपका आर विवेक। दोस्तों, ये दो प्लेयर मैंने थोड़े यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों विकेट कीपर में हैं, टी रहेजा और एस गणेश, थोड़े ये ऊपर ही ओपनिंग करने आएंगे, ये थोड़े से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप ही मत सोचना कि ये बॉलर हैं, ये बैट्समैन। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊँ इस टीम के कंपैरिजन में, ये टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अगर वेन्यू की बात की जाए, वेन्यू दोस्तों यहाँ पे इन मैचों की सबसे खास बात क्या है, अगर आपको विनिंग करनी इन मैचों की सबसे खास बात क्या है कि वेन्यू एक ही है। दोस्तों जी हाँ, दोस्तों वेन्यू एक ही है, SNR क्रिकेट ग्राउंड, पीसी बैटिंग है, एवरेज स्कोर 157 का है और यहाँ पे 157 भी बन रहे हैं। लेकिन अगर टीम के पास अच्छे बल्लेबाजी है तो 200 तक का स्कोर भी दोस्तों वो कर रहे हैं। और दोस्त जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, अगर वो 200 स्कोर 180 कर रही है, तो सेकंड टीम के लिए चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। तो आज का भी आपको मैच देखने को ऐसे मिलेगा। उससे पहले दोस्तों वेदर जान देते हैं। दोस्तों, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट के मैच में, क्योंकि वेदर अगर थोड़ा क्लाउडी होगा या मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव होगा और अगर वहाँ पे बारिश होती है या थोड़ा सा मॉइस्चर होता है बीच में, तो बॉलर को डेफिनेटली मदद मिलती है। तो आप ऐसी टीम क्रिएट करें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर हों। आप कोशिश ये करें कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है, उसके मेन बॉलर भी लेके चलें, सामने वाले के मेन ओपनर छोड़ के चलें, सेकंड वाली जो बाद में बॉलिंग करने आएगी उसके मेन बॉलर लें, इसके भी छोड़ के चलें और मिडिल ओवर पर फोकस करें और वहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएं आप। दोस्तों, आपको ये बहुत खास इंपॉर्टेंट बातें बता रहा मैं आपको, बहुत आसानी हो जाएगी आपको ग्रैंड लीग टीम बनाने में, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा टीम बनाना। तो दोस्तों, अगर वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ पे क्लाउडी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से रेन के चांस हो सकते हैं, या दिन में अगर रेन होती है तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर रेन हुई तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त टीम बनेगी, विकेट ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, कम से कम दोनों पारी में से 8-8, 9-9 विकेट जाएंगे। तो आप अच्छे से अच्छे बॉलर को भी, आप जो आपको पता होगी पिछले मैच में इसने बॉलिंग की थी और उनका सिलेक्शन कम परसेंटेज कैप्टन बना के चलें। दोस्तों अगर विनिंग चांस की बात की जाए तो CSG 60% और ITT 40%। दोस्तों, ये टीम कहीं ना कहीं इससे कंपेरिजन में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पास बॉलिंग और बैटिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम हार जाएगी इससे। इनके पास विजय शंकर जबरदस्त खिलाड़ी है और साई किशोर, दोस्तों इन दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। और आपको इधर से आपको एन जगदीशन और आपका भी अपरजीत
और आपने पिछले मैच में जैसे देखा था, ये थोड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके साथ आपके लिए साबित दोस्तों हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी तो इस टीम को जो भी आदमी रिस्क लेकर जिताएगा तो ग्रैंड लीग विन करेगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम हो चुका है, एन चतुर्वेद का और बी अनुरुद्ध सीताराम का। अगर दोस्तों ये चेस करते हैं और ये पहले बैटिंग करते हैं, अगर ये चल जाते हैं, अगर कैप्टन कोई ने ट्राई कर रहा है, तो दोस्तों सिंगल विनिंग के चांस हैं। चतुर्वेद साथ में विजय शंकर को कैप्टन लगा के आराम से अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विनिंग कर ही सकते हैं, आपके पैसे भी 49 रुपये भी डूब सकते हैं, क्योंकि ये टीम थोड़ी सी वीक है, ये 0 रुपये आउट हो सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क दोस्तों लेना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में। दोस्तों अगर हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोस्तों अगर CSG को हम जिता रहे हैं अपनी तरफ से पहले बैटिंग करते हुए और बॉलिंग करते हुए, अगर पहले बैटिंग करती है तो यहाँ से एन जगदीशन और आपका पी रंजन पाउल, बी अपरजीत और एस यादव, ये चार प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से आपको कैप्टन से ट्राई करनी चाहिए अपरजीत या रंजन पाउल में, दोनों में से एक। और दोस्तों यहाँ से आपके बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपके आर शाह, एम सील बरमसा और आपका एस सतीश, सात प्लेयर दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ से आप कैप्टनसी बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, अपरजीत के साथ कैप्टनसी में जा सकते हो आप, और वाइस कैप्टनसी आप जगदीशन के साथ भी जा सकते हो दोनों में, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, विकेट निकाल लेगा और बैटिंग करेगा। जगदीशन अगर थोड़ा सा पिच पे थोड़ा मूवमेंट हुआ तो जगदीशन अच्छा खासा प्लेयर है, अच्छा खासा खेल सकता है। विकेट कीपर में दोस्तों आप एक प्लेयर को ही लेके चले। दोस्तों इधर से हम चार प्लेयर कौन कौन से लेंगे, इधर से हम दोस्तों चार प्लेयर लेंगे, बी अनुरुद्ध सीताराम को लेंगे, यहाँ से हम विजय शंकर को लेंगे और साई किशोर, तीन प्लेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं लेने। और यहाँ से हम विकेट कीपर सेक्शन में सिर्फ एक ले चल लेके ले चलेंगे जगदीशन, तो हम गणेश और इसको छोड़ के चलेंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ से हम लेंगे आर विवेक या लेंगे अजीत राम को, एस अजीत राम को। तो दोस्तों चार प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए हमारे, कैप्टनसी मैंने आपको बता दी, कैप्टनसी कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, आप कैप्टनसी VC आप जगदीशन या पाउल साथ जाओ, कैप्टन तो आपका दोस्तों यही रहेगा, इसको कैप्टनसी में ही ले चलो। चार ओवर और ऊपर बैटिंग ऑर्डर अच्छा खासा 100 पॉइंट्स तो आराम से देगा दोस्तों बाबा अपरजीत। अगर ये टीम विन करती है तो, अगर ये टीम कहीं ना कहीं हारती है तो फिर ये बस आपको टीम में लेना, फिर कैप्टन आपको ट्राई नहीं करना दोस्तों। वहीं अगर बात करें अगर हम ये टीम जिताएं ITT तो किसी टीम बनाएंगे दोस्तों अगर ये पहले बैटिंग करती है तो एन चतुर्वेद, बी अनुरुद्ध सीताराम और के विशाल वेद्या, विजय शंकर, चार प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके यहाँ से। और फिर यहाँ से आप साई किशोर लेंगे पाँचों प्लेयर, और यहाँ से लेंगे आप एस मनी गंदन को लेंगे, और आपका एस अजीत सीताराम और आर विवेक को लेंगे कैप्टन से दोस्तों। यहाँ इसे ट्राई करेंगे एन चतुर्वेद को, बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज है, अगर चल गया तो सिंगल विन हो जाएगी। कैप्टन से ट्राई करेंगे, वाइस कैप्टन लगाएंगे हम विजय शंकर को, या कैप्टन विजय शंकर को बनाएंगे और वाइस कैप्टन बनाएंगे चतुर्वेद को। दोस्तों ये सात प्लेयर हो गए, चार प्लेयर यहाँ से लेंगे हम, पी रंजन पाउल को लेंगे, बाबा अपरजीत, दो प्लेयर यहाँ से लेंगे और दो प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से लेंगे। बॉलिंग सेक्शन से वो लेंगे जो मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हो, जैसे आपका आर शाह हो गया और बी रोकी हो गया। दोस्तों चार प्लेयर आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। और दोस्तों ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम बन गई, दो टीम और बन सकती हैं पहले बॉलिंग करते हुए दोनों की। पहले बॉलिंग करने में कोई खास परिवर्तन नहीं है, पहले बॉलिंग जो टीम करती है उसमें चार बॉलर लेने आपको और तीन बल्लेबाज लेने, तो सिंपल सा लॉजिक है। और कैप्टन बॉलिंग से बनाना, वाइस कैप्टन आपको बैटिंग से बनाना, मेन बॉलर कैप्टन बनाना और ऊपर दोनों में से एक बैट्समैन आपको जो अच्छा लगता हो या फॉर्म में चल रहा हो उसको VC बनाना। दोस्तों इसके बाद अगर आपको फाइनल आपको टीम चाहिए जो कॉम्बिनेशन में दूंगा अगर आपको, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पे मैं फाइनल टीम दूंगा आपको 5-10 मिनट पहले, वो सारे कॉम्बिनेशन में खुद बना के आपको वहाँ ट्राई दे दूंगा, आप वहाँ से भी टीम ज्वाइन दोस्तों कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको सीखना होगा, आपको खुद पूरी वीडियो देखनी होगी, आप जब खुद सीखोगे तो जब ही आप पैसा विन कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ से जो टीम बनेगी आपकी किस्मत में पैसा होगा तो आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है मेरे किस्मत में आज पैसा नहीं है और मैं आपको टीम बना रहा दे रहा टेलीग्राम पे, वो टीम आपने लगाई वो वर्क ना करी, तो दोस्तों वो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाएगा। इसलिए आप टीम खुद से बनाओ, नॉलेज लो, सीखो और टीम बनाओ। ग्रैंड लीग जीतने के लिए तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, 49 रुपये के बारे में सोचना है आपको। अगर 49 चाहते हैं तो जाने दो, चतुर्वेद को कैप्टनसी और बी अनुरुद्ध सीताराम को कैप्टनसी जरूर ट्राई करो विजय शंकर के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।